अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद सूरत हाल हर रोज़ नया रुख इख्तियार कर रही है और आपको मालूम है कि 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास हुआ और उस इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी हतमी तजावीज़ हैं वो भिजवाई जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई जा चुकी हैं और इस फुल कोर्ट इजलास के जो समरात हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पहला मुंह तोड़ जवाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम के जवाब में दिया गया है और ये जवाब की क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से इमरान खान का एक जो पैगाम है वो दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उस वक्त तक जब तक इस्टेब्लिशमेंट ये तीन काम नहीं कर लेती। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी अहम खबर है वो ये है कि आइंदा माह यानी मई के आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इसकी भी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मई के आखिर में आखिरी हफ्ते में क्या बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वाला जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर रखा है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर फैसला दिया था और उस फैसले को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ये फैसला गालबन जो है वो यकम अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ इससे इस फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई। फिर गुज़श्ता हफ्ते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जो आला हुकाम हैं उनके साथ मुलाकात की और उस हवाले से ये खबर मंजरेआम पर आई कि गौहर खान ने दर हकीकत जो पीटीआई के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा हैं वो मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के लोगों से मुलाकात की जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई कि उनके मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी और अहम जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तो वो काज लिस्ट होती है जिसको हम फाइनल काज लिस्ट कहते हैं, यानी एक हफ्ते में कौन कौन से अहम मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। दूसरी एक और अहम काज लिस्ट की किस्म ये होती है कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में वो मुकदमात आते हैं जो अहम ज़्यादा अहमियत के हामिल हों या हंगामी तौर पर उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जैसे शाम तक के केस की समाअत जो है वो मुकर्रर नहीं थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी एक फ़ैसला करती है कि कल फलां टाइम के ऊपर एक केस की समाअत होगी, तो इस तरह की जो मुकदमात होते हैं वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में आते हैं जो फाइनल काज लिस्ट का हिस्सा नहीं होते और उनको फिर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में शामिल किया जाता है। और तीसरी जो काज लिस्ट होती है तीसरी किस्म की वो होती है मुजवजा यानी प्रोपोज्ड काज लिस्ट। ये जो प्रोपोज्ड काज लिस्ट होती है ये सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस 1 महीने के लिए जारी करता है, यानी मई की जो प्रोपोज्ड काज लिस्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी गई है, यानी एक जब महीना ख़त्म होने वाला होता है तो उस महीने के इख्तिताम से पहले पहले ही अगले महीने की जो मुजवजा काज लिस्ट होती है जो पूरे महीने की होती है वो जारी कर दी जाती है और इस मुजवजा काज लिस्ट के अंदर वो तमाम मुकदमात शामिल किए जाते हैं जिनकी मुमकिन तौर पर आइंदा महीने जो 4 या 5 हफ्ते हैं उसके अंदर उन मुकदमात की समाअत हो सकती है। उसमें से कुछ मुकदमात डीलिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ मुकदमात जो है वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक समाअत के लिए मुकर्रर भी किए जाते हैं और इसी मुजवजा यानी प्रोपोज्ड काज लिस्ट के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नज़रसानी जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है वो उस काज लिस्ट का हिस्सा बना दी गई है। 25 मई को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच है, बेंच नंबर 1, जिसमें पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर दरख्वास्त को जो है वो मुकर्रर करने का इंदिया दिया गया है और अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस 25 मई को ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए जो है वो फिक्स करता है या फिर ये मुजवजा काज लिस्ट में से ये ड्रॉप कर दी जाती है, डीलिस्ट कर दी जाती है
या इसमें किसी और किस्म की कोई रद्दोबदल जो है वो इसमें कुछ होता है वो तो फिर वक्त आने पर बताएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर पीटीआई के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि ये आइंदा माह के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो दरख्वास्त है पीटीआई की ये समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है। इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से जो आइनी तरमीम की खबर है वो भी गर्दिश कर रही है, और इस हवाले से इरफान कादर जो इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के बहुत करीब समझे जाते हैं उन्होंने मतीउल्ला जान साहब के प्रोग्राम में इस बात को की तस्दीक की है कि इस तरह का जो ड्राफ्ट है या इस तरह की जो तजावीज़ हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने के हवाले से वो ज़ेरे गौर हैं। तो अगर जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो तयन का मामला है अगर वो इस केस की यानी मखसूस नशस्तों की हवाले से जो पीटीआई की दरख्वास्त है उसकी समाअत से पहले ही वो तरमीम पार्लियामान से या कौमी असम्बली से मंजूर करा ली जाती है तो फिर ये केस बेवकूफ़ हो जाएगा, और अगर ये तरमीम हो जाती हैं तो फिर इसमें वाज़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बददियानती और बदनीयती इसमें आयाँ हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो इन्हीं मखसूस नशस्तों की अक्सरियत पर खड़ी है। अगर पीटीआई की मखसूस नशस्तें उसे वापस मिल जाती हैं तो फिर जो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जो हुकूमत है वो अपनी 2/3 अक्सरियत खो देगी, और इस तरह हुकूमत के पास आइनी तरामीम के लिए जो मुकर्रा वोट होगा वो नहीं होगा और काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी नहीं हो सकेगी। देखना यह है कि क्या इस केस को जानबूझकर मई के आखिरी हफ्ते में रखा गया है या इससे पहले आइनी तरामीम हो जाती हैं या नहीं होती, तो ये तो अब आइंदा हफ्ते आइंदा महीने ही पता चलेगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मई का महीना बड़ी अहम पेशरफ्त वाला महीना है और इसमें कई बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसमें एक मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के तयन के हवाले से आइनी तरमीम भी उस अहम तरजीहात में शामिल है। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हमाद अज़हर, उनकी जानिब से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमाद अज़हर की जानिब से आज अपनी जो ट्विटर है उसके ऊपर अपना एक बयान उनकी जानिब से जो है वो जारी किया गया है, और हमाद अज़हर की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। उनकी जानिब से 3 शरायत दी गई हैं। एक शर्त तो ये है कि जो पीटीआई का मैंडेट है छीना गया मैंडेट वो वापस किया जाए, 2 इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, और तीसरी जो अहम इसमें शर्त उनकी जानिब से आयद की गई है वो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं उनको भी रिहा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 3 कंडीशंस हैं अगर ये पूरी नहीं की जाती तो फिर अबानी चेयरमैन यानी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और हमाद अज़हर की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इखलाकियात और एतमाद के फुकदान का भी इल्ज़ाम लगाया, और ये भी कहा है कि 9 मई महज एक बहाना बनाया गया था जिसका मकसद पीटीआई को जो है वो क्रश करना था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गेंद बानी पीटीआई इमरान खान के हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी वक़्त खो चुका है। ये जो अहम बयान है वो हमाद अज़हर साहब की जानिब से उस वक्त सामने आया है जब पीटीआई के कुछ अपने जो कार रहनुमा हैं जिनमें जो हमाद जो शहरयार अफरीदी हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ रऊफ़ हसन की जानिब से भी एक इंतहाई कमज़ोर बयान दिया गया था, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से था, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो दरबारी लोग हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन हमाद अज़हर की जानिब से ये अहम बयान सामने आना यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे पीटीआई के जो कुछ रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयान है मेरे ख्याल में उनका सिलसिला भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो रहनुमा इमरान खान से बढ़ कर इस तरह का कोई मुतनाज़ा बयान देते हैं तो वो इमरान खान के काज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो किसी सूरत मेरे ख्याल में काबिल कबूल या काबिल मुआफ़ी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो अहम खबर इसमें है वो ये है कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
छः जज साहबान की जानिब से एक ख़त जो है वो लिखा गया था, और उस ख़त में इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो हसास इदारे हैं उनका अदालती अमूर के अंदर मदाखलत का जो कच्चा चट्टा था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान के सामने खोला गया था। इस ख़त के बाद पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर शदीद तनकीद हो रही थी, और वो तनकीद का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। और अब जो ताज़ा तरीन जो प्रोपेगेंडा मुहिम इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, उनमें जस्टिस बाबर सत्तार सैरे फहरिस्त हैं। गुज़श्ता कुछ रोज़ से मुस्लिम लीग नून और उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिसमें उनके अहल खाना के जो गैर मुल्की पासपोर्ट हैं शरीयत के हवाले से, ये भी जो जली दस्तावेज़ात हैं ये भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जा रहे थे, और उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो उनके कुछ फाइनेंशियल जो है वो करप्शंस भी हैं। लेकिन इस हवाले से अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा अहम एलामिया जारी किया गया है। ये एलामिया दर हकीकत हम इसको ये कह सकते हैं कि दो रोज़ पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था, उस फुल कोर्ट इजलास के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये मुँह तोड़ जवाब इस एलामिया के ज़रिए दिया गया है, जो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानिब से जारी किया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम जजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ये जो बयानिया है, मेरे ख्याल में इस बयानिए के बाद जो उनके जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। वैसे तो FIA को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था, और जो साफ़ी या जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इसमें मुलव्वज थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जायज़ तनकीद हुई, तो उनके ख़िलाफ़ उस पर भी FIA ने मुख्तलिफ़ साफ़ी जो हमारे हैं जो तकरीबन कुछ 60 के करीब साफ़ी थे उनको नोटिस जारी किए थे और उनको हरासा करने की कोशिश की थी। जो एलामिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है उसमें जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरीत की सोशल मीडिया पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसकी तरदीद की है, और कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरीत नहीं है। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने उस पर वजाहत जारी की है, और ये कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। कहा जाता है कि ये जो सिल्वर ऑक्स नाम का जो स्कूल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो जस्टिस बाबर सत्तार के ही ख़ानदान का है, और उनकी वालदा ये स्कूल जो है वो 1992 से चलाती आ रही हैं। इसके अलावा एलामिये में ये भी कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म है, और वो जो है वो लीगल फर्म उनकी जो स्कूल की वो लीगल एडवाइज़र भी है, और उस लीगल फर्म ने फीस भी बाकायदा वसूल की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न में जाहिर कर रखे हैं। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था, लेकिन 2005 में अमेरिकी नौकरी छोड़कर वो पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार के जितने भी असासे हैं वो उनको विरसे में मिले हैं या उन्होंने खुद लिए हैं जब वो वकालत कर रहे थे। और ये भी कहा गया है कि जज बनने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने किसी किस्म की कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई। जस्टिस बाबर सत्तार किसी भी कारोबार की मैनेजमेंट के साथ भी मुंसलिक नहीं, और ना ही उनका कोई ताल्लुक है, और ना ही कोई ऐसा केस जस्टिस बाबर सत्तार ने सुना है जिसमें उनकी फैमिली का मफाद वाबस्ता हो। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वाजे और दो टोक किस्म का पैगाम है, एक तरह से बड़ी वाजे शटअप कॉल है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के उन ट्रोल्स को जो जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कई रोज़ से मनफी मुहिम चलाए हुए थे। इस मुहिम का मकसद दर हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 दिलेर जजेस को दबाव में लाना था जिन्होंने शुतर बेमहार और आइन व कानून से बालतर अपने आप को समझने वाले हसास इदारों की जो मदाखलत है उसको बुरे तरीके से कौम के सामने बेनकाब किया। अब ये एलामिया आ जाने के बाद देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ ये हुकूमती मुनज़्ज़म मुहिम रुकती है या नहीं, या ये मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं।
ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी इस वीडियो के बारे में। आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।